पेट्रोल जो है यार 180 रुपए लीटर हो चुका है, और सुनने में आ रहा है कि 200 भी क्रॉस हो जाएगा कुछ दिनों में। दूरी हट के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा है, आम बहुत एक्सपेंसिव। ये देखो अस्टा जो है हमारा आ गया है, मीठी लस्सी, टेस्ट अच्छा भी नहीं था और महंगा, फजूल का महंगा है, फजूल का महंगा है भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। तंदूरी गर्मी ऐसी थी वो अभी मैं आपको दिखाया। अहमद ये मोबाइल पकड़ना, दिखाएं जरा इनको। ये देखो भाई टू टोन हो गया हमारा कलर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा बर्थडे, और बर्थडे तो यार मुश्किल है सेलिब्रेट करें, लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और अहमद वालों ने और रुपई वालों ने डिसाइड किया था कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है हम लोग संडे का बाहर करेंगे, तो अभी उसी के लिए जा रहे हैं। रेडी वेडी मैं हो गया हूँ बिल्कुल, तो अभी चलते हैं सीधे अहमद वालों के पास, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो पहुँच के आपसे मिलता हूँ, आप वीडियो को देखते रहो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो भाई अभी पेट्रोल के लिए ब्रेक लिया था मैंने, और पेट्रोल जो है यार 180 रुपए लीटर हो चुका है, और सुनने में आ रहा है कि 200 भी क्रॉस हो जाएगा कुछ दिनों में। अब तो लगता है या तो बाइक बेच के साइकिल लेनी पड़ेगी, या तो फिर जुगनू भाई से सेटिंग करानी पड़ेगी पोयो ऑयल से। उस्ताद पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कुछ ऐसी सेटिंग तो कर दो, पेट्रोल खाली सूंगे। हो गया अभी कर दे तो मतलब इसके जट की सेटिंग करो, इसे एक स्लो जट होता है और एक मेन पेट्रोल वाला जट होता है। इसमें ऊपर वाला जट उतार के ना इसका एक जुगाड़ करना, लेकिन वो बताऊंगा नहीं, खाली ये इतना बताऊंगा करूंगा। गाड़ी पर रहते आएगी तीसरे पे, चौथा तुम्हारे लगता ही नहीं, तो भाई डाल दिया बताया, मेरे को बताया गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही, ट्यूनिंग हुई बताया पूरी गाड़ी खोलो, लेकिन पेट्रोल गैवेज होकर चाहिए, मैंने ट्यूनिंग खोली पूरी गाड़ी खोली। अभी इसमें जट के अंदर इंजन करूंगा, बिल्कुल सूंघेगी पेट्रोल, पिएगी नहीं। 100 रुपए में कम से कम 80-90 किलोमीटर तो आराम से देगी। मतलब भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, क्योंकि सुनने में आया उनकी बाइकें जो है ना सिर्फ पेट्रोल पंप का चक्कर काटती है और फिर पूरा कराची घूमती है। तो या तो पोयो ऑयल से रابطہ करते हैं, या तो फिर बाइक बेच के साइकिल लेते हैं। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले अपने भाइयों को पिक करते हैं, उसके बाद जो है आपको आगे की अपडेट दे दें कि कहाँ जा रहे हैं नाश्ते के लिए। A few minutes later. तो भाई फाइनली जो है मिल गए हमें हमारे बॉयज, ये रहे जोमेटो वाले अंकल और ये रऊफ भाई, रऊफ भाई को फुल माशाल्लाह यंग हो गए। तो अभी हम आए भाई एटीएम सबसे पहले, क्योंकि जा रहे हैं नाश्ते के लिए तो पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं एटीएम जी, इसको एटीएम कहते हैं। ये तो आपने नई चीज बताई। वैसे तो एक बात तो आज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बड़ी जिंदगी के बाद हम अरवाज़दाद एटीएम पे आए। एटीएम कहते हैं इसको, और बाद आपको ये होता है टच, मुबारक हो। ये टच होता है, ये टच होता है, देखो फॉर एग्जांपल प्रेस किया। कार्ड है आपके पास? नहीं कार्ड डालना भूल गए। हां कार्ड है वो डालना भूल गए। अच्छा वो नए शुरू के दिनों में होता है, शुरू के दिनों में ऐसा होता है। तो भाई अभी कहाँ जाने का मूड है पहले ये बताओ। हाँ आप निकाल कितने रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। तो कहाँ जाने का मूड है आपको? वैसे ये हमारा रमजान के बाद फर्स्ट ब्रेकफास्ट है ना, रमजान के बाद फर्स्ट ब्रेकफास्ट है दोनों भाइयों के साथ। आ जाते हैं, पैसे वैसे पहले निकलवाते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो भाई पेमेंट वगैरह जो है निकल गई है। रोम भाई आ जाओ। नहीं यार आप चले जाओ, देखो बात आप जाओ, मैं इधर ना मैं जगह कब से कर रहा हूँ यार, ठीक है आप जाओ, हलवा पूरी ऑर्डर करो, जगह बड़ी है ठंडी हुई है, रूम तो फुल चिल्ड हुआ है भाई। तो अभी रोब भाई बोल रहे यहीं पे ऑर्डर करके आऊं मैं, यहीं पे खाना है। अरे आज जो रोब भाई निकाल, कोई आएगा पैसे निकाल रहे हैं, हम लोग इधर साइड पे हैं, वो इधर निकाल के लगा देंगे। चलो आ जाओ बस करो, बहुत हो गया। नहीं नहीं अरे बाहर तो बहुत गर्मी है यार, अंदर तो फुल मजे वाला माहौल हुआ था, बाहर बहुत गर्मी है यार। तो बस अभी देखते हैं कहाँ जाना है, फिर आपको अपडेट करते हैं आगे की। बाकी संडे को ये है रश वश नहीं होता, देखो फुल रोड खाली पड़े हैं, रश वश बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अभी जो है आ गए हैं हम बोर्ड बेसन, और बोर्ड बेसन आ गया भाई। बोर्ड बेसन पे जो है यार काफ़ी रश हो रहा है, भी ऑर्डर दे दिया है हमने। क्या मंगाया, क्या क्या मंगाया? पराठे मंगाए, चना मंगाया है, और लस्सी मंगाई, देसी लस्सी भी मंगाई है, और मैंने ना अंडे वाला बर्गर मंगवाया। कौन सा? और मैंने चीज भी मंगवाया। क्या मंगाया रोब भाई? अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर भी मंगाया भाई। तो और अगर प्राइसेस को कंपेयर किया जाए यार,
आम किसी रेस्टोरेंट से, तो तंदूरी हट के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं आम। बहुत एक्सपेंसिव। ये देखो तंदूरी हट पे अबसिन पे जो पराठा 200 रुपए का, 200 का तीन 150 का, 140 रुपए का पिज़्ज़ा पराठा, और वो यहाँ पर 600 रुपए का। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस का। और जो सादा पराठा वहाँ पर 25 से 30 रुपए का, वो यहाँ पर जो है 70 रुपए का तंदूरी हट। डबल के भी ट्रिपल है यहाँ पर, ट्रिपल है यहाँ पर। तो अभी ऑर्डर हो गया है हमारा, तो जैसे आता है फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मंगाया है। तो भाई नाश्ता जो है हमारा आ गया है और यहाँ अनबॉक्सिंग शुरू हो गई। अहमद पराठे का साइज़ भी सेम है यार, है ना, पराठे का साइज़ भी सेम है, बस पैसे ज़्यादा हैं इसके। और ये चना है, चना अभी तक टेस्ट नहीं किया। मैं तो ढाबे पे भी टी पीता हूँ। क्या पीते हो? ढाबे पे भी टी पीता हूँ, वो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, ये मीठी, तो ये लस्सी भी आ गई भाई, मीठी लस्सी। तो ये लस्सी है अहमद, अहमद क्रॉसिंग पे जो लस्सी मिलती है 70 रुपए का गिलास है या 80 रुपए का, वो इससे बड़ा होता है ना, वो इससे बड़ा होता है, और वो इसका आधा है, ये उसका आधा है, ये उसको पीने में मजा आता है बिल्कुल। और ये पैसों में डबल है, दुख होगा ये पैसों में उससे डबल है और क्वांटिटी में कम है। बाकी नाश्ता आ गया, अभी स्टार्ट करते हैं, खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, उसके बाद खाने के बाद आपको अपडेट करते हैं। तो भाई फाइनली जो है नाश्ता वाश्ता करके बाहर आ गए, और ये जो बिल आप लोगों ने देखा इसमें अभी लस्सी का ऐड नहीं हुआ था, ये तंदूरी हट पे नाश्ता किया हमने। अहमद इधर आओ, नाश्ता कैसा था यार? टेस्ट अच्छा भी नहीं था और महंगा, फजूल का महंगा है, फजूल का महंगा है भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। तंदूरी हट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग, 1200 का बिल बना है, नाश्ता आप लोगों ने देखा था क्या था, और 1200 का बिल बना है। और लस्सी उसमें 150 लिखी थी लेकिन 170 की है लस्सी भाई, GST मिला गया। तो नाश्ता मेरे हिसाब से सही नहीं था, आप बताओ रोब भाई कैसा था? मज़ा नहीं आया। नहीं आया मज़ा यार, ये नाश्ता इससे अच्छा नाश्ता 500 रुपए में हम तीन बंदे करते थे, और ये वाला जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया भाई। मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप तंदूरी हटाओ, नाश्ता करो इतना महंगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, नोट ज़्यादा है, तो आओ भाई फिर करो, अगर नोट नहीं है जेब को देख के चलते हो तो फिर मत करो, ठीक है। तो अभी चलते हैं चाय पीने के लिए मूसा के होटल, क्योंकि यहाँ पर चाय का कप भी 150 रुपए का है भाई, यहाँ चाय भी महंगी है, मूसा के पास 40 रुपए की चाय है भाई, चाय भी सस्ते में पियेंगे हम। तो भाई सुबह जो है यार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग सारे प्लान्स कैंसिल करके घर आ गए थे। तो अभी बज रहे हैं यार 4:30, और मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, धूप थोड़ी कम हो गई है। तो अहमद की कॉल आई कि अभी चलते हैं, तो अहमद सुबह यहीं पे मिला था मुझे, तो अभी उसने मुझे यहीं पे बुलाया, अभी तक नहीं आया, वो वेट कर रहा हूँ, जैसे आता है अहमद तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि कहाँ जाना है अभी हम लोगों को। तो ये रहा भाई, अहमद भी आ गया। अहमद क्या हाल है? ठीक हो? सुबह नाश्ता सही नहीं था ना यार, कुछ हुआ मैदे में? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कि नाश्ता टेस्टी नहीं था, और यार मेरे तो मैदे में दर्द हो गया था, नाश्ता ऐसा था, बाकी गर्मी ऐसी थी। वो अभी मैं आपको दिखा, अहमद ये मोबाइल पकड़ना, दिखाएं जरा इनको, ये देखो भाई 2-tone हो गया हमारा कलर, रेड एंड वाइट। अब इससे अंदाज़ा लगा लो कि गर्मी कितनी थी, इस वजह से हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। दूसरे हाथ का भी यही हाल है। तो अभी अहमद तो फुल पैक वैक रहता है इसका, इसलिए सही है, ये फुल पैक रहता है Zomato बॉय। तो अभी भाई ऐसा है हमारा, ऐसा हो गया सीन, तो चलते हैं रोहब भाई के पास, रोहब भाई वेट कर रहे हैं, पहुंच के मिलते हैं और फिर बताएंगे आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम अभी। तो पहले रोहब भाई को पिक करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो भाई रोहब भाई जो है आ गए थे, और अभी हम आ गए लियारी, रोहब भाई लियारी लेकर आए। रोहब भाई हाय करो। रोहब भाई लियारी क्यों लेकर आए हो अभी आप? मुंडी पावा खाने। कौन सा पावा? मुंडी पावा। मुंडी पावा ठीक है, जाके दिखाएंगे ना। अच्छा, कोई स्पेशल डिश है?
चलो भाई कोई स्पेशल डिश है रऊफ भाई खिलाने के लिए लेकर आए मुंडी पावा खिलाने के लिए आए, ये पहले से क्लियर कर दें, व्यूअर्स देख रहे हैं ठीक है, बाद में हम लोग हाथापाई करने उधर अच्छा नहीं होगा। बड़े हरामी हो बेटा। कौन खिला रहा है फिर? चलो लॉटरी लगा हुआ है भाई का। अच्छा लॉटरी लगा, कब लगाई है लॉटरी मुझे भी बताओ, मेरे को तो मिला क्यों नहीं। खैर अभी रऊफ भाई खिलाएंगे भाई, वो तो हमें फिर खाना आता है कैसे खाएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो मुंडी पावा है कोई बलोची डिश है, तो रऊफ भाई ने बोला भाई आज वो खाने चलते हैं। तो आज हमने डिसाइड किया था कि घर पे कुछ भी नहीं खाएंगे, नाश्ता भी बाहर करेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे, तो संडे का दिन हम ऐसे गुजारेंगे। तो अभी इस वजह से लियारी आए, रऊफ भाई ने बोला ये डिश ट्राई करो, ट्राई करते हैं जाते हैं। रऊफ भाई एड्रेस वगैरह निकाल लें इंटरनेट पर, तो जैसे एड्रेस मिलता है फिर जाते हैं आगे, पहुँच के फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन से वहाँ के। तो भाई अभी आए थे पावा खाने, ये रहा पीछे जहाँ पावा मिलता है। तो 8 बजे का टाइम है यार, अभी तो बंद है। तो रऊफ भाई क्या हाँ ब्लॉग बना रहे हैं, क्यों देखना हो अरबाज खान ब्लॉग्स पे जाके देख लेना ठीक है, खान ब्लॉग्स बोल रहे ब्लॉग बना रहे हो। तो भाई ये है पावा जहाँ पावा मिलता है ठीक है, ये तो बंद है रऊफ भाई, अब आगे का क्या सीन है? अच्छा तो ये 8 बजे खुलेगा भाई, 8 बजे हम लोग आ नहीं सकते, 8 बजे आ नहीं सकते, अभी तो निकलते हैं यहाँ से आगे एक और जगह जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, भूख टाइट किस्म की लगी है। तो भाई ये हो गया सीन। अहमद पारी गाड़ी क्या हुआ? भूख से भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, खाना खाना है। ये तो नाजुक है, नाजुक लड़की है ये, इसको चक्कर बहुत जल्दी आ जाता है। अभी तुम ही मर रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो चक्कर नहीं आ रहे, भूख लगी है बारह। तो अभी चलते हैं भाई, कहाँ रुकते हैं खाना खाने के लिए वो आपको बताता हूँ मैं। लियारी से निकलने के बाद जो है अहमद ने बोला रहमानिया बिरयानी है, अल रहमान बिरयानी ली मार्केट में, अभी वो खाने के लिए रुके क्योंकि भूख लग रही थी। देखो टूट पड़े दोनों भाई, इसका टेस्ट थोड़ा आ रहा है, ट्राई करो, थोड़ा अच्छे है ना इसका। तो अभी बिरयानी खाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा था। चेस्ट पीस है ना, एक में लेग एक में चेस्ट, बोल लूँ मैं अब मैं बोल लूँ, चाइना से नहीं आता मुर्गी। चलो भाई ये तो ऐसे ही है। तो अभी बिरयानी खाते हैं और थोड़ा पेट पूजा करते हैं। तो भाई बिरयानी जो है खा ली है, और अहमद कैसा टेस्ट था बिरयानी का? बहुत अच्छा, लाने मैं लेके गया था तो आप बताएं। तो आपसे मैंने तो पहले बहुत बार ट्राई किया, हॉस्टल में सही टेस्ट भाई, अच्छा टेस्ट था और प्राइस के हिसाब से ठीक था। रऊफ भाई ने नहीं खाई थी क्योंकि रऊफ भाई बोल रहे थे खाना खाया हुआ है मैंने, भूख नहीं लगी भी, और वहाँ पर इसलिए नहीं अपडेट कर सके क्योंकि यार रश बहुत ज़्यादा था, बहुत शोर था। तो अभी आ गए हम यहाँ पर, ये देख रहे हो माहौल बैक साइड में, यहाँ आ रहे हैं पीछे बॉयज, और यहाँ भी रश लगा पड़ा है वैसे आई बैक्स के पास। तो अभी देखते हैं जगह पकड़ते हैं, पहले बैठते हैं क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है थोड़ा सा, उसके बाद केक काटेंगे भाई। बस अभी वो फ्रेंड्स के इंतजार करते हैं, वो आ जाएं, उसके बाद हम केक वेक काटेंगे। 2000 years later. तो फ्रेंड्स फाइनली फ्रेंड्स वगैरह से जो है फ्री हो चुके हैं और अभी आ गए वापस से अपने अड्डे पे पुराने। तो सेटअप वेटअप लगवा दिया, केक ऑर्डर कर दिया केक का। तो जैसे केक आता है उसके बाद केक कट करेंगे। वैसे बर्थडे का टाइम मेरी खत्म होने वाला है, 11 बज रहे हैं, 12 बजे दिन खत्म हो जाएगा और केक हम जिस टाइम दिन खत्म होगा उस टाइम काटेंगे। केक काटते हैं, जल्दी जल्दी घर जाते हैं, सोना है भाई, बहुत ज्यादा थक गए, सुबह 8 बजे से घूमे जा रहे हैं, हालत बुरी हो गई। क्या बोलते हैं अहमद, नाइट शिफ्ट नहीं है आज आपका? आज नाइट ड्यूटी नहीं करनी भाई, बस बहुत हो गई, आज जाके सिर्फ सोना है, आज सिर्फ सोना है क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। तो भाई केक जो है आ गया, हाँ यही है ना, यही निकाल, खोल के दिखाओ रऊफ भाई कैसा है केक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुभ शुभ हाथों से बिस्मिल्लाह करो, नहीं बिस्मिल्लाह तो कर लिया। हाँ बिल्कुल, ये रहा भाई, कौन सा था अहमद? ये थ्री मिल जीएम थ्री मिल, कैसे बिल्कुल सिंपल केक, छुरी को इग्नोर कर। खबर बाज को खिलाया जाएगा।
ये रऊब भाई कटिंग करते हुए। ठीक है अब खाते हैं बिस्मिल्लाह। अब खाते हैं बस सही है, सही साइज है, इससे छोटा ज्यादा क्या करना। ये थोड़ा सा खोलते वक्त जो है निकालते वक्त खराब हो गया था थोड़ा सा, खैर इसको इग्नोर करना, खाना ही है वैसे भी। ये ऐसे लेके ये देखो, ये ऐसे खाते हैं अहमद? कैसे खाते हैं? अच्छा ऐसे खाते हैं, बहुत शुक्रिया बता दिया आपने। ओ भाई केक जो है कट चुका है और ये रहा केक, आप लोग भी खा लो बर्थडे का केक। वैसे आज जो है बर्थडे खत्म हो जाएगी मेरी अभी थोड़ी देर बाद। केक का टेस्ट बहुत अच्छा है, कैसा है अहमद? भाई फाइनली बर्थडे वगैरह जो है सेलिब्रेट हो चुकी है और आज का दिन बस कुछ इस तरह से रहा। देखा आप लोगों ने ख्वारी भरा दिन था, तो कैसा रहा, मजा आया आज रूप भाई? मजा आया बहुत। तो हो गई सेलिब्रेट, जो केक हमने खाना था वो खा लिया, बाकी जो है घर के लिए पार्सल हो गया यहीं से ही। तो अभी घर चलते हैं, ये घर वाले खा लेंगे। तो घर जाना है, बस यही था आज के दिन में। देखा आप लोगों ने, उम्मीद है इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ आपसे इसी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।